हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि पोल साइंस नागरिक का क्लास करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एस एस सी एन टी पी सी ग्रुप डी, बिहार पुलिस, दरोगा, कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो अब तक के सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में छांट छांट कर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये पोल साइंस का क्लास नंबर एक है, और हाँ मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट अपने टेक्निकल कंपटीशन वेयर्स के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देखिए। करीब 200 क्लासें हो चुकी है। अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्ज़ाम्स का, और घर बैठे लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, और बिना लागत के आप लोग हमारे टेक्निकल कंपटीशन वेरियस से पढ़ाई कीजिए और क्लास लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और उन्हें भी अपने टेक्निकल कंपटीशन वेरियस से जोड़िए। बताइए कि यहाँ फ्री में अच्छा पढ़ाई कराया जाता है सिर्फ जॉब के लिए मित्रों। ये कोई यानी कि इनकम कमाने के लिए नहीं, ये क्लास में हम कराते हैं, हम आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए, जो घर बैठे हैं, जिनके पास पढ़ने का लागत नहीं है, जिनका लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब का, सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए मित्रों, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या है? डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद नंबर 21 ऑप्शन ए, अनुच्छेद नंबर 24 ऑप्शन बी, अनुच्छेद नंबर 32 ऑप्शन सी, अनुच्छेद नंबर 256 ऑप्शन डी। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो मित्रों, आपको बताया हूँ, जैसा कि ये मॉक टेस्ट या पूछा गया प्रश्न या छांट छूट कर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो भी आप मानिए, लेकिन क्लास कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएंगे। तो मित्रों, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 32। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लेख है, सबसे महत्वपूर्ण लेख है। संवैधानिक उपाय का अधिकार व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, तब उन्हें लगता है कि उनका अधिकार अनुचित रूप से वंचित हो गया है। तो अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 18 वर्ष, बी में है 30 वर्ष, सी में है 32 वर्ष, सॉरी 36 वर्ष, तथा डी में है 24 वर्ष। तो मित्रों, राज्यसभा का यानी कि उच्च सदन का, और निम्न सदन किसको कहते हैं मित्रों? निम्न सदन उच्च सदन। तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बोले तो 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए सदस्यता पाने के लिए। तो मित्रों, हम लोग कुछ एडिशनल देख लेते हैं। तो कुछ पदों के लिए आयु सीमा निम्नलिखित है। लोकसभा के सांसद का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सांसद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पर बने रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है। तो मित्रों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं ट्रिकी इंफॉर्मेशन दिया हूँ। तो मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कितना कम से कम उम्र होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष, विधायक का 25 वर्ष, सांसद यानी कि राज्यसभा के सांसद का 30 वर्ष, और विधान परिषद का 30 वर्ष, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पर बने रहने के लिए अधिकतम 65 वर्ष। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्या कहता है, डैश लोकपाल या उसका समकक्ष नियुक्ति करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन है ब्राज़ील, बी में बर्मा, सी में स्वीडन, डी में भारत। तो साथियों, डैश बोले तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर, बोले तो स्वीडन। तो स्वीडन लोकपाल या स्वीडन के लोकपाल या उसका समकक्ष
नियुक्ति करने वाला प्रथम देश है। एडिशनल क्या है? तो एडिशनल है इसमें लोकपाल या इसके समकक्ष किसी की न्याय संगत नियुक्ति करने वाला पहला देश स्वीडन है। लोकपाल मूल रूप से एक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक है जो उच्च स्तर के मंत्री और उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? तो स्वीडन में ओम्बड्समैन या लोकपाल वर्ष 1819 में पारित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो साथियों, नेक्स्ट क्या है? तो वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी में फखरुद्दीन अली अहमद, सी में वीपी सिंह, डी में इंदिरा गांधी। तो 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति ये कौन थे? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन? तो लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती कितनी? तो लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है ए में 630, बी में 530, सी में 430, डी में 330। तो साथियों, लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या 530 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या 530 होती है। एडिशनल क्या है तो देखते हैं हम लोग। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की कुल संख्या 530। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा आपको हम अभी बताए हैं कि राज्यसभा उच्च सदन है तथा लोकसभा निम्न सदन है, जिसमें 530 सदस्य भारतीय राज्यों से है, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से है और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो लोकसभा में कुल 530 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्या है? मलयालम, मित्रों मलयालम डैश की शासकीय भाषा क्या है? ऑप्शन है हरियाणा, बी झारखंड, सी केरल, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। मलयालम केरल की राष्ट्रीय भाषा है। केरल की जैसे कि बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। दूसरा भाषा क्या है? उर्दू। उसी प्रकार मलयालम ये केरल की राष्ट्रीय भाषा है। तो मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज एंड इज स्पोकन बाय सेम 38 मिलियन पीपुल। काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्या है मित्रों? तो भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए में कमला नेहरू, बी में मैडम बीकाजी कामा, सी सरोजनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो साथियों, भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू और कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्या है मित्रों? सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वह स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य है, वह विकल्प क्या है? तो मित्रों, ऑप्शन ए कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, बी में मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना, सी में आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, डी में लागत और देरी को न्यूनतम करना। तो मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बोले तो सी, यानी कि सी एक ऐसा विकल्प है, इसको छोड़कर सभी लोग अदालत के लक्ष्य है, जैसे कि कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना या डी में लागत और देरी को न्यूनतम करना। बात करते हैं सी में क्या है। तो लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां वाद विवाद या मुकदमेबाजी की चरण लंबित विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया जाता है। यह धन के दावों के निपटान, विभाजन के मुकदमों, क्षति और वैवाहिक मामलों में बहुत प्रभावी है और इसमें न्याय प्राप्त करने का एक त्वरित साधन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है 44A में, 4B में, C 14C में तथा 34D में।
तो समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद नंबर 44, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी कि समान नागरिक संहिता, तो ये अनुच्छेद नंबर 44 मित्रों, याद कर लीजिएगा, समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद नंबर 44। एडिशनल क्या है? तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद नंबर 44 में एक समान सिविल संहिता के क्रियान्वयन को जोड़ने का यह निर्दिष्ट करते हुए निर्णय लिया गया था कि राज्य भारत के सीमा क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आखिरी है इस वीडियो का, यानी कि पोलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र सेशन क्लास नंबर एक का ये आखिरी है क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र डैश तिलियों वाला एक चक्र है, तो ये ऑप्शन 8A में, 12B में, 16C में, 24D में। तो उत्तर डी इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र 24 तिलियों वाला एक चक्र है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र 24 तिलियों वाला गहरे नीले का एक चक्र है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो के नीचे होगा लाल सेंटेंस में लिखा होगा सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है, तो प्लीज़ साइन अप करके अपने मोबाइल नंबर डालिए, अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी बन जाएगा, फिर उसको अपने यूट्यूब चैनल पर साइन अप कीजिए, फिर अपने टेक्निकल कंपटीशन में इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मेरा भी प्रकाश, जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।